यार अशरफ प्लीज कुछ तो ख्याल करो। सारे मेहमान हमें ही देख रहे हैं, सबके सामने मेरा तमाशा मत बनवाओ। इतनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें समझाया था ना, फिर वही बचकाना रवैया दिखाना शुरू कर दे। अपना मुंह ठीक कर लो इससे पहले कि मुझे वो साथ जाए। गुड, ऐसे ही मुस्कुराओ। आज हमारी जिंदगी का बहुत स्पेशल डे है और ये खास दिन दोबारा नहीं आएगा। उसको रहो यार, एंजॉय करो। माशरना बहुत प्यारी लग रही हो, सदका निकाल देना चाहिए। शयान आ गया। कैसे हो शयान? ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? आओ अशरफ, पिक्चर्स बनवाते हैं सबके साथ, आओ। लो सरवर भाई भी आ गए। बाय। आई एम बी बेट। बुआ क्या हुआ असरा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? अरे आप लोग तो जानते ही हैं ना, शादी के बाद कुछ महीने तक तो लड़की की आंखें इसी तरह गीली रहती हैं। माँ बाप से दूर होने का दुख, उनके आ जाने पे एक अलग खुशी। भाई आप लोगों की बेलौस मोहब्बत देख के तो मेरी आंखें अक्सर नम हो जाती हैं। ये तो फिर आपके जिगर का टुकड़ा है, आप लोगों को मिस करती होगी। अरे कौन यार, बस कर दो ये खुशी क्या सुन। चले अब सब आ गए हैं स्टेज पे, तो एक फैमिली पिक्चर ले लेते हैं। श्योर, आओ। अलीजा जी जॉइन अस। बाबा बाबा कहाँ हैं? बाबा आइए ना प्लीज। हाँ गुनाथ सर आ जाते हैं। हमेशा ऐसे ही खुश रखे, बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। आमीन। असरा बहुत खुश नसीब है सरवर साहब, सुल्तान जैसा हस्बैंड मिला उसको। भाई हमारी असरा तो खुश नसीब है ही, लेकिन सुल्तान बेटा भी वो लंग वक्त वाला है। उसे असरा की मोहब्बत जो मिली। माशाल्लाह। लुकिंग क्यूट।
शुक्र है सुल्तान ने असरा को रुकने पर कोई एतराज नहीं किया। ये जानकर तो मुझे भी इतनी खुशी हो रही है कि आज की सारी रात असरा हमारे साथ गुजारेगी। वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें? सुल्तान ख्याल रखता है तुम्हारा? जी सुल्तान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो फिर रो क्यों रही थी और इतनी मुरझा क्यों गई हो? अम्मा वहां मेरी जरूरत की सारी चीजें हैं, आराम है, सुकून है, मोहब्बत है, आप नहीं है। वो मोटी शयान वो नहीं है, भैया नहीं है, भाभी नहीं है, बस आप सब लोगों को मिस करते हैं। अनु ऐसी बातें ना करो, ऐसा ना हो मैं जज्बात में आके अपने बोरियां बिस्तर पैक करूं और तुम्हारे साथ जहेज में चला जाऊं। नहीं बाबा ये मत कर। वैसे आज तुमने असरा के साथ बहुत गलत किया। और जो मेरे साथ हुआ है उसका क्या? मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही कबूल किया है मुझे असरा ने। वो तो ठीक है लेकिन वो रो रही थी। इस तरह वलीमे की दुल्हन को कौन रुलाता है? तुम्हें इस तरह पेश नहीं आना चाहिए उसके साथ। जितना अच्छा बन सकता हूं उससे ज्यादा ही बनने की कोशिश करता हूं। मैं एक उसूल पसंद इंसान और अपने प्रिंसिपल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अच्छा बनने के लिए ही मैंने उसे अपने घर जाने की इजाजत दी और इससे ज्यादा अच्छे बनने की उम्मीद मुझसे कोई ना करे, ना आप और ना वो। सरवर साहब इस वक्त क्यों काम कर रहे हैं आप? बंद कीजिए इसको। क्या हुआ भाई? महाशयान असरा का बातें कर करके दिमाग का आ रहा होगा। सुलाइए जाके दोनों को, जाइए ऑर्डर दीजिए। अच्छा भाई ये वाला सीन देखा, यहाँ इतने मजे की मूवी नहीं सीखी आती और पहले की तरह सोमवार जाना भाई, पता चले मैं इस तरह देखूं दोनों मैडम सो रही हैं। नहीं सोती बाबा। हाँ देख रही तो शयान तुम्हारी पॉकेट मनी आ गई क्या? हाँ क्यों नहीं, वैसे ही पूछ रही हूँ। मेरी नहीं आई ना अभी तक, इसलिए नहीं आई। यार ये कैरेक्टर मेरा फेवरेट है। हमारे तो सारे कैरेक्टर्स फेवरेट हैं। नहीं अगर मैसेज आया कि फौरन सो जाओ, बंद करो ये सब। और वो तो पूरे देख लेते हैं ना, तो ही रह गया। इसे देख लेते हैं। माइंड ऑफ कर तो। क्या हुआ? अच्छे खासे गए थे आप हंसते हंसाते, कोई बात हुई है? कोई बात हुई है?
गलती से असरा शयान से उसकी पॉकेट मनी के बारे में क्यों पूछ रही? मतलब? देखो, शयान से पूछ रही थी कि उसे पॉकेट मनी मिली है कि नहीं। एक नई नवेली दुल्हन को पैसों की कमी का एहसास कैसे हो सकता है? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। कर सकती है सर्वर साहब, लाडली थी हमारी, शयान से मुकाबला होता था उसका, बहुत नाज लाड से पाला है हमने उसको, बेटियों से ज्यादा। अब अगर वो हमसे एक्सपेक्ट कर रही है तो गलत क्या है इसमें? हाँ ठीक कह रही है, इसीलिए जब बच्चियां शादी करके दूसरे घर चली जाती हैं ना, बहुत प्यारी हो जाती हैं। दूर जाती हैं ना जब, तो और करीब आ जाती हैं। और मुझे तो लगता है कि हमें उन्हें खुश करने के लिए ना जितना हो सके ना उतना करना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम, करता हूँ कुछ। क्या सोचा है, क्या करेंगे? I have a plan for it. I'll tell you later. It's a surprise. Okay. अब मैं देख लूँ? Please. Thank you. आखिरी बात तुम्हें क्या याद है परीजे? सुल्तान, वो जो तुम्हारी तबीयत पूछने आता है वही ना? वो खो गया है, सुल्तान खो गया है। लेकिन सुल्तान तो अक्सर आता रहता है, बल्कि अक्सर फोन करके भी तुम्हारी खैरियत पूछता है। ये सुल्तान खो गया था, वो हमारा निकाह हो गया था। निकाह? मैं निकाह की बात नहीं कर रही हूं। काजी नहीं आया था, काजी नहीं आया था, काजी ने आना था, हमने निकाह करना था। काजी नहीं आया था, वो मुझे पर्चा दे गया था। कैसा पर्चा? वो पर्चा जिस पे हमारा निकाह नहीं हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर सुल्तान वापस आ गया था। मैं उसकी दुल्हन बनी थी, उसकी दुल्हन बनी थी। मैं ना उसकी दुल्हन बनी थी, फिर वो मेरा दुल्हन बना था, मेरा दुल्हा बना था, वो मेरा दुल्हा बना था। मैं सिर्फ सुल्तान की दुल्हन हूँ और सुल्तान मेरा दुल्हा है। मैं सिर्फ सुल्तान की दुल्हन थी। और जब सुल्तान साहब आए तो पहले उनको मुझसे मिलने के लिए भेज दो। मेरा सिर्फ मेरा।
शॉपिंग तो कराता है ना सुल्तान? शॉपिंग की क्या जरूरत है भाभी, अभी तो शादी का इतना सारा सामान रखा हुआ है। अच्छा, शॉपिंग भले रखने की जगह ना हो पास, शॉपिंग तो औरतों को करनी ही होती है, और सुल्तान को एहसास होना चाहिए कि उसे तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखना है। हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है ये मर्दों को पता होना चाहिए। अच्छा, सुल्तान को तुम्हें अपने साथ रखना होगा, उसे हर बात बतानी होगी, उसके साथ शेयर करनी होगी चीजें। अगर तुम उसे दूर करोगी ना, तो ये मर्दों की फितरत होती है, कोसों मीलों दूर चले जाते हैं वो। उसे उसे एहसास दिलाओ उसकी जिम्मेदारी का। सुल्तान को अपनी सारी जिम्मेदारियों का एहसास है, इसलिए मुझे उन्हें कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। सही, पॉकेट मनी तो देता ही होगा। नहीं, क्यों? ऐसे ही क्यूट लगता है, मतलब हस्बैंड अपनी बीवियों को पॉकेट मनी देते हैं, उससे सिर्फ मोहब्बत दिखती है उनकी, और क्या। सुल्तान को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए मुझे पॉकेट मनी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा अशरफ, एक बात पूछूं, तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूं मैं भाभी, बहुत ज्यादा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। एक्चुअली वो ऐसी जहन में आया कि तुम्हारे सुशाल का माहौल हमारे घर से थोड़ा सा डिफरेंट है, सो आई थॉट, आई मीन पता नहीं तुम्हें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ना हो रही हो, तुम एडजस्ट कर लोगी ना? जी भाभी, आप फिक्र ही मत करें, मैं एडजस्ट कर लूंगी, और वो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और सबसे ज्यादा सुल्तान, वो तो मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। I'm sure. कॉफी। आपने कॉफी बहुत अच्छी बनाई। बनाती अच्छी हूँ। कब आएंगे? इतनी देर से इंतजार करी, मैं घर आई तो एक बार पलट कर पूछा भी नहीं, जिससे मेरा होना ना होना एक ही बराबर है। इतनी देर हो गई है भाभी, कहाँ है आपके शौहर साहब? बहुत देर हो गई, सुल्तान आ ही रहे हो। आ गए, बस आ गए। भैया, आर यू ऑलवेज लेट? जा रही है हमारी बेटी अपने घर। हाँ जी, जा रही हूँ। दैट्स वेरी गुड, आई हैव समथिंग फॉर यू। ये क्या है भैया, क्या मतलब है? मैं जब भी इस घर में आऊंगी मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे क्या? हाँ, यही समझो, बहन को गिफ्ट देने से दिल और दिल का बनाने वाला खुश रहते हैं। भैया चलो बहन, अब जल्दी खोल लो, कब से सरप्राइज रखा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, पता नहीं क्या है। अच्छा ये पकड़ो। क्रेडिट कार्ड? भैया मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं रख सकती। ये जरूरत के लिए नहीं दिया है असरा, ये मोहब्बत से दिया है, और मोहब्बत में मेरा तुम्हारा नहीं होता। रखो। मैं अब कैसे रख सकती हूँ ये? नहीं, मैं ये नहीं रख सकती थी असरा, प्लीज, तुम्हारा है। ये तो ज्यादती है ना बाबा, आपने मुझे अपना कार्ड कभी एक मिनट के लिए भी नहीं दिया, और उनको पूरी जिंदगी के लिए। ये ड्रामे बंद करो, तुम
तुम्हारा कसूर है तुमने असरा का कार्ड नहीं बनवाया। थैंक यू भैया। आ गए भैया आपके सर ताज। हम लोग बेकार ही नहीं है, अगवा कर रहे हैं अगवा। अरे चाहिए क्या तुम लोगों को? हमें तो लड़की पसंद है, हमें वही चाहिए। जबान संभाल कर बात कर, जिंदा ही गाड़ दूंगा तुझे यहाँ पे। मोहब्बत करती हो मुझसे? हाँ स्टूपिड करती हो, इसीलिए तो ये सब किया है मैंने। क्यों नहीं समझ आ रही है तुम्हें? अपने लिए तो आप कुछ कर नहीं सके, अब इन दो सिंगल लोगों के लिए तो कुछ करना होगा ना हमें। आप सब ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया हुआ। मैं सोचो कुछ, अब देखे अमल का कमाल। वो भाई बोल रहे हैं आपके रिश्ते को अभी खत्म कर रहे हैं। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं? भाभी कह रही थी कि नया समर कलेक्शन आया है, मैं सोच रही थी क्यों ना हम शॉपिंग पर चलें। बताएं फिर कब चलना है शॉपिंग पर? अभी तो बहुत नींद आ रही है। बाद में देखते हैं। लाइट बंद करती हुई जाना। भाई वैसे बड़ी बात, इस दफा तो बगैर कहे सुल्तान ने शॉपिंग करने के पैसे दे दिए। मैं तो खुद हैरान हूँ अम्मी, पता है मैं तो हैरान हो गई, वो खुद मेरे कमरे में आए और पैसे दे के बोलते हैं जाओ अम्मी और अपनी जाके शॉपिंग करो। वैसे उसने असरा को भी तो पैसे दिए होंगे ना? इस बात का ना मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है। और आप प्लीज असरा की खुशी और गमी में घुलना छोड़ दें। असरा जैसी लड़की को इतनी सी रकम की क्या परवाह? मैंने उसे देखा है अम्मी, वो इतनी सी रकम ना यूं चुटकियों में एक दिन में उड़ा देती है। एक तो पता नहीं क्यों तुम्हें ना उस असरा से खुदा जाने का बैर है। बैर की बात नहीं है, आप बस अपनी शॉपिंग की परवाह करें और छोड़ दें असरा ने शॉपिंग की है नहीं की हमारी बला से। बताए कब चले? तुम तो मेरी दोस्त थी हाला, फिर मुझसे इतना बदसन कैसे हो गई तुम? तो भाई बताएं इस दफा आप हमें बर्थडे पार्टी कहाँ दे रहे हैं? बर्थडे पार्टी? पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस साल बर्थडे पे क्या गिफ्ट होगी। तो हाँ बताएं ना आपको क्या गिफ्ट चाहिए। किसका बर्थडे है भाई? लो इनकी मोहब्बत का हाल तो चेक करें। अरे भाई तुम्हारे सुल्तान की बर्थडे है। शेली मुझे तो पता ही नहीं था। तो बताएं गिफ्ट क्या चाहिए आपको? भाई इतने महंगे गिफ्ट के लिए ना तो एक पूरी सदी इंतजार करना पड़ेगा। कंपनी तो कंगाल है, ये ले, ये नहीं मिल सकता। मजाक कर रहा था, तुम तो अपने भाई को अच्छे तरीके से जानती हो। आज तक मैंने किसी और के कंधे पे चढ़ के कुछ हासिल नहीं किया, जो भी किया अपने खुद के बलबूते पे किया। और वैसे भी ये गाड़ी मुझसे और कितना दूर है? मैक्सिमम 4 महीने, इसे तो मैं हासिल कर ही लूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। इंशाल्लाह। शायान एक पिक्चर में
भेजिए गाड़ी की, जरा देखकर बताओ ये गाड़ी कितने की आएगी। ये बताओ तुम्हें बैठे बैठे ये गाड़ी कहाँ से याद आ गई? उनका बर्थडे है 3 दिन बाद, सोच रही थी कि उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे दूं। सुल्तान ने खुद फरमाइश की है। सख्त खिलाफ है, बस मेरा दिल चाह रहा है। अच्छा देखता हूँ। वो ये गाड़ी मांग रही है लैंड क्रूजर। क्यों, वो क्या करेगी इसका? कह रही थी सुल्तान की बर्थडे आने वाली है तो उनको गिफ्ट करना चाह रही है, पूछ रही थी कितने की है। नाइस। असरा जी, तुमने रात में शॉपिंग का कहा था ना, मम्मा और हाला अभी मॉल जा रहे हैं, तुम उनके साथ ही चले जाना और तुम्हें जो पसंद आए ले लेना। ओके अब सुल्तान, मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ जाऊं। असरा, ये औरतों की शॉपिंग में मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, तुम मम्मा के साथ चले जाना प्लीज ना। आप साथ चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। ओके, तुम भी क्या याद करोगी, कैसे फरमा बरदार शौहर से पाला पड़ा तुम्हारा, पहले शादी तुम्हारी मर्जी से की और अब देखो जिंदगी भी तुम्हारी मर्जी से गुजार रहा हूं। छोटा सा काम है वो निपटा के आता, जब तक तुम रेडी हो जाओ। थैंक यू, सी यू। अकॉर्डिंग टू हर, आपने उससे शादी नहीं की और आप उसे छोड़कर चले गए। कैसी बातें कर रही हैं डॉक्टर, मैंने उससे शादी नहीं की। मैंने जब भी उससे पूछा कि आखिरी वो शख्स कौन है जो उसे याद है, तो उसने हमेशा आपका नाम लिया है। वो कहती है कि आपने उससे शादी नहीं की, आप चले गए, वो भीख मांगती रही तब भी आप चले गए। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि वो आखिर आपका नाम क्यों ले रही। ऑब्वियसली सी बात है डॉक्टर, मेंटली अभी डिस्टर्ब्ड है बेचारी, और आई थिंक इस कंडीशन में तो वो वजीर आजम का भी नाम ले सकती है। मेरा मशवरा यही है कि आप उससे मिलने एक दफा। श्योर, इनफैक्ट मैं उससे मिलने ही आया। थैंक यू। थैंक यू।
ऐसी हो रही से वाह यार, तुम तो बिल्कुल ही ठीक हो गई हो यार। अभी डॉक्टर से बात हुई मेरी, ठीक कहा तुमने, मैंने ही तुमसे शादी से इनकार किया था, है ना? बात बताऊं, मैंने शादी कर ली है उस लड़की से जो दीवानों की तरह मुझसे मोहब्बत करती है। और सच कहूं तो मैं भी दिली दिल में उससे मोहब्बत करने लगा हूं। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। सबसे मजे की बात यह है कि तुम इस सिनेरियो में कहीं नहीं। यू आर नोवेयर। अच्छा, तुमने अपना क्रेडिट कार्ड और ये ब्रेसलेट इस तरह रखा हुआ? घर के मुलाजिम चाहे जितने भी ईमानदार क्यों ना, अपनी चीजों की हिफाजत आपको खुद करनी होती है। लो, इसको अपने पर्स में डालो और इन चीजों का ख्याल किया करो। अब चले। अच्छा ये देखो, ये कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा आप पे। सुने, ये कैसा लगेगा? ठीक है, डार्क कलर्स तुम पे सूट नहीं करते। ट्राई टू गो फॉर लाइटर कलर्स। जी सर। सर आपका कार्ड ब्लॉक्ड है। व्हाट? हाउ इज दिस पॉसिबल? कल ही तो एक्टिव था। आप काम करें कि
उसमें से मेरी जो चीजें आप वो निकाल दें और इनका बिल कर दें। ठीक है सर। हाँ सर। हाँ इट्स ओके, मुझे भी नहीं लेनी। नहीं असरा, तुम्हारे पास तो तुम्हारा कार्ड है ना, तुम अपनी शॉपिंग करो, आई मैनेज। एक काम करें, ये सारा बिल एक साथ करें। ठीक है, सारी चीजें। अरे नहीं असरा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैं मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा। कुछ ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा है, इट्स ओके। फिर भी यार ऑकवर्ड लग रहा है मुझे। नहीं होता, बेबी हूँ मैं आपकी। ठीक है, तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। आप बिल कर दें मैम, आपकी अमाउंट 1,80,000 हो गई। थैंक यू। ये ले मैम, थैंक यू सो मच। सो अब क्या प्लान है, क्या लेना है? कुछ भी नहीं, बस हो गया। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो यार, अगर अभी मेरा यहाँ पे कार्ड चल रहा होता ना तो मैं तुम्हें एक रिस्ट वॉच दिलाता और अपने लिए भी ले लेता। ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरे पास बहुत सारी वॉचेस हैं और मैं पहनती नहीं हूँ, शौक नहीं है मुझे। चलो ठीक है फिर, जब वॉचेस हैं तो ओके। ए, मुझे वॉच नहीं लेनी, लेकिन आपके लिए तो वॉच ले सकते हैं ना। नहीं ऐसा मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूँगा, अगर तुम्हें नहीं लेनी तो फिर मैं बाद में फिर कभी आके ले। प्लीज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको वॉच दिलाऊं। सो स्वीट ऑफ यू, अब तुम इतने प्यार से कह रही हो तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, जो हुक्म मेरी बेदर। आई थिंक वॉच की शॉप पे चलो। How much for this? 1,000,000. It's a bank card. Payment cash hai ya card? Card. Thank you, my love.